हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की मैराथन क्लास के विविध की सीरीज में भारतीय संविधान में आज हम लोग भारतीय संसद पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संसद एक ऐसा अध्याय है जो आपको यूपी टेट सुपर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में ई लर्निंग विद दुर्गेश को प्रतिदिन रात 9:30 बजे निःशुल्क क्लास लेकर आता हूँ, जहाँ पर आपकी भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न आना तय है। मेरा उद्देश्य आपको सरकारी नौकरी में आपको एक पद दिलाना है, बस आपको अपना प्रयास करना होगा, आपको अपना बेहतर देना होगा। तो चलिए, अगर आप वास्तव में एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर बैठेगा, क्योंकि जब आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे कहीं ना कहीं आप कई चीजें नए तरीके से सीखेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है और यह उन्हीं लोग के लिए वीडियो है जो वही वीडियो देखें अंत तक, जिन्हें वास्तव में अपना एक पद लेना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। पहला प्रश्न आपका डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? देखिए, अगर भारत के सॉलिसिटर जनरल देखा जाए निम्नलिखित में से वर्तमान में, तो वर्तमान में यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो गया प्रश्न में। सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में जो है वो आपके तुषार मेहता है। क्या है? तुषार मेहता है, लेकिन गलती से टाइपिंग नहीं हो पाई। फिर ठीक है, प्रश्न में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। जी हाँ, जो मेरे प्यारे साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताएं। यहाँ पर दिए गए प्रश्न में से जो लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी चटा फटाफट कमेंट करें कि यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न डिस्प्ले पर दिख रहा है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद अभिन्न अंग होता है। साथी फटाफट जरूर कमेंट करेंगे, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा, एक चीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, सरल, श से हो गया संसद, श से हो गया संसद, क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। ठीक है, र से हो गया राज्य सभा, ल से हो गया लोक सभा। इसका अनुच्छेद क्या था? ये 79, 80, 81। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति होगा ये कहाँ कहा गया है? ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये कहाँ कहा गया है? यह अनुच्छेद 52 कहा गया है। राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में कहा गया है। लोकसभा की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 81 में। लेकिन जो भारतीय संसद है, यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से, भारतीय जो संसद है वो निम्नलिखित में से किसका अभिन्न अंग है? तो याद रखिएगा, भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया। यहाँ 79 में इस बात का जिक्र है, इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा? वह होगा डी का सही जवाब होगा। जी हाँ, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग ई लर्निंग पे दुर्गेश पर अपना बेहतर देना चाहते हैं वो इस बात को ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। जी हाँ, ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए, यहां तक हो गया, प्रश्न का उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद बनती है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बनाएं, संसद किससे मिलकर बनती है? क्योंकि आज का टॉपिक का नाम है भारतीय संसद, जो आपके शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी की एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जी हाँ, आप सभी साथी इस वीडियो में जुड़े रहेगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। और यहाँ पर जितने भी भविष्य में अध्यापक अध्यापिका बनने चाहते हैं सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर जाने के बाद आपको सभी वीडियो की फ्री क्लास और लिंक आपको मिलती रहेगी। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। बार बार अगर एक ही कमेंट डालेंगे तो उसके लिए आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। बाकी आप नोट्स या क्लास संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लें, या ऑफिस का नंबर है। मेरी क्लास फ्री चलती है इसलिए यहां पर देखिए, यहां पर बना है संसद बनती है, संसद दोनों सदनों से मिलकर बनती है। ठीक, फिर कह रहा है संसद के दोनों सदनों, निर्वाचित सदन मनोनीत सदन से मिलकर बनती है, संसद के दोनों सदन। जी नहीं, इसका उत्तर जो होगा, अभी तक आप लोगों ने सही जवाब नहीं दिया है। सबसे पहले आप लोग फोकस करिए पढ़ने पर, इसका प्रश्न का उत्तर इसमें कोई नहीं, क्योंकि जो भारतीय संसद है, अगर मैं यहाँ पे संसद की बात, यहाँ पे जो संसद है वो किससे मिलकर बनता है? ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारे देश की
संसद बनती है। संसद के तीन प्रमुख अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर हमारे भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगर संसद के सदन पूछा जाए तो संसद के दो प्रमुख सदन होते हैं, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। प्रायः निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग गलती कर दीजिएगा, लेकिन परीक्षा हाल में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आप सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस बात को भली भांति जानते रहिएगा, भली भांति परिचय रहिएगा, क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है, जस्ट ऊपर के प्रश्न में मैंने यहाँ पे बताया था। इसलिए यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपसे यहाँ गलती हो जाए लेकिन भविष्य में कभी ऐसे प्रश्नों में गलती मत करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि संसद के दोनों सदन माने जो संसद बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आप सभी का, आप लोग ने काफी सपोर्ट किया, वीडियो को शेयर कर दिया है, लाइक कर दिया है, बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद के दो सत्रों के बीच में कितने दिवस का गैप होना चाहिए? सभी मेरे साथी मित्र फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि में कितने माह का अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए अगर इसकी बात करें तो भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद की बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 में जहां पर उसके विघटन की बात कही गई है, लेकिन 85(1) की अगर हम बात करें तो संसद के सत्र आह्वान करने या उसे सत्रावसान या विघटन करने के विषय में प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि दो सत्र के बीच में, किन्हीं भी दो सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया है, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन तीन प्रकार के सत्र होते हैं, कितने सत्र होते हैं? संसद के तीन सत्र होते हैं। किसके? संसद के ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं बता दूँ, पहले तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 85(1) में इसका वर्णन किया गया है, संसद के सत्र। तो संसद के तीन सत्र होते हैं। अगर हम पहला सत्र की बात करें तो पहला सत्र किसी को पता है? अगर हम पहला सत्र शुरू करें तो फरवरी में जो होता है, जिसे हम बजट सत्र कहते हैं। कौन सा सत्र? बजट सत्र से हमारा संसद की प्रारंभ होती है। दूसरे सत्र की बात करें तो फिर आता है मानसून। कौन सा आता है? मानसून सत्र आता है। तीसरा अगर सत्र की हम बात करें तो यहाँ पे आता है शीत सत्र। कौन सा? शीत सत्र होता है। इन दो सत्रों के बीच में कभी भी, किसी भी दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85(a) में कहा गया है कि सत्र के आह्वान करने के विषय में, सत्रावसान व विघटन करने के विषय में यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे थे जिन लोग को समझ में आ गया? आप सभी लोग से एक निवेदन बोलिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप लोग से बस इतना सहयोग की अपेक्षा है कि लाइक करने के बाद शुरू करिए। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जा सकता है? सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है। अब आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का के बाद इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे कितनी बुलाया जा सकता है। जी हाँ, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, क्योंकि अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो आप सभी को इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। यहाँ पे देखिए पिन किया हुआ मैसेज है, जो भी साथी आ रहे हैं, वे सभी जो शिक्षक साथी आ रहे हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ते जाएं। जी हाँ साथियों, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि सत्र में अनुच्छेद 85(1) कहता है कि 6 माह का, 6 माह से अधिक का अंतर न हो। 1 साल में ऐसा कंडीशन 1, कंडीशन 2 बन सकता है, माने अधिकतम न्यूनतम अगर किया जाए तो 2 बार, क्योंकि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए न्यूनतम की बात की जाए तो 2, अधिकतम की कोई बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, कम से कम 2 बार बुलाना अनिवार्य होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो भविष्य के अगर आप लोग अध्यापक अध्यापिका हैं, ऐसे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि लोकसभा का सत्र न्यूनतम अगर पूछा जाए तो कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार। लेकिन कितने सत्र का आयोजन किया जाता है? वो 3 बार। कौन कौन? मैंने आपको बताया था, पहला बजट सत्र, दूसरा क्या था? एक बजट सत्र था, दूसरा मानसून सत्र था,
कितना मानसून, तीसरा जो था वो शीत सत्र था। तीन सत्र है लेकिन किसी भी दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 5 ए की बात है और अगर भाग पूछेगा तो भाग 5। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सदस्य के, क्योंकि आज का टॉपिक है भारतीय संसद, सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चयन बुलाने के लिए आवश्यक है, जिसे हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, यह भी प्रश्न आएगा, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है कि गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए। जी हाँ, गणपूर्ति या कोरम पूरा करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, किसी भी केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि यहां पर अगर आप गलती करेंगे कहीं ना कहीं आपके साथ समस्या होगी। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एक बार जल्दी, एक बार अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, बताइए आप लोग इतनी संख्या है लेकिन आप लोग लाइक और शेयर करने से बचते हैं, पैसा नहीं कटेगा मालिक। देखिए, अगर हम गणपूर्ति की बात करें, अगर हम कोरम की बात करें, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1/6 अगर कुल वैध मतों का अगर 1/6 से कम मिले तो क्या होगा, जमानत जब्त होगी। क्या होगी, जमानत जब्त होगी, इसलिए यह विकल्प तो नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 1/10 होगा। यह कहां दिया गया है, यह अनुच्छेद 100 में दिया गया। कहां पे, 100 में दिया गया है, यह अनुच्छेद 100 में दिया गया है कि यदि 1/10 मतलब 252 सदस्य अधिकतम होते हैं, लेकिन अगर 545 सदस्य हैं, ठीक है, इसका 10% कितना होगा, का 1/10 तो लगभग 55 सदस्य। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, गणपूर्ति कितने सदस्य चाहिए। याद रखिएगा, अगर गणपूर्ति की बात करेगा तो 55 सदस्य होता है। जी हाँ, आजकल परीक्षा का नया ट्रेंड आया है, नया ट्रेंड ना होगा, क्यों, क्योंकि गणपूर्ति में पूछ लिया सदस्य की जरूरत पड़ती है, तो 55 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। कितने लोग ऐसे थे जिनको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया, मैं ये समझूंगा कि मेरा पढ़ाया नित प्रतिदिन मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लीजिएगा, इससे सरल, इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे तो चैनल को छोड़ दीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद। हमें कैसे मान्यता दी जाती है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, सभी साथी मित्र जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए आप सब। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग जवाब नहीं देंगे तो फिर बताइए हम कैसे पढ़ाएंगे कोई चीज। आप लोग गलत सही जवाब जरूर दिया करिए, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग तथ्यों को ये समझ पाते हैं क्यों गलत है क्यों सही है। इसलिए आप लोग गलत सही, देखिए आप लोगों ने बहुत ही सही उत्तर दिया है, और हम चाहेंगे कि मैं यहाँ पे आपके अन्य तथ्यों की बात करूं। देखिए, राष्ट्रीय दल की बात करें तो राष्ट्रीय दल की जो संख्या है वह इस समय कितनी है, आइए हम इसके सभी तथ्यों पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एक करके सभी तथ्य पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है हम केवल एक तथ्य पर ही बात करेंगे या एक ही विषय पर हम बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय दल को मान्यता दी जाती है कैसे कैसे, देखिए आप लोग लिख रहे हैं, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, ध्यान से बताइए जरा, आपको कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना, कितने लोग ऐसे हैं जो कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए ना। अगर आप कॉपी कलम तो मैं और प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय दल के रूप में किसी दल को मान्यता तब मिलती है, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट आप लिखिएगा, पहला पॉइंट यहां पे एक ही पॉइंट बना के लिखते हैं हम लोग। पहली पॉइंट यहां पर बनेगा, कब मिलता है, चुनाव के कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत पाया हो। कितना, कितने में, 4 राज्यों में, 4 राज्यों में। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, लिखना चाहे तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, 4 राज्यों में, 4 राज्यों में कितना परसेंट, कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6%, वैध मतों का 6% मत पाया हो, या एक से अधिक राज्यों में लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त हो, या किसी एक राज्य में लोकसभा की
न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त हो, तो यहाँ पर देखिए कम से कम 5% प्राप्त करता हो, ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर अगला है वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2% से प्राप्त करे, मतलब दूसरी कंडीशन है कि लोकसभा की जितनी सीट है उसका वह 2% सीट प्राप्त करे। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है हम जानते हैं, 545, इसका 2% माने 2/100 इतनी सीट प्राप्त करे। तीसरी कंडीशन क्या होती है ध्यान दीजिएगा, तीसरी कंडीशन इसकी क्या होती है, तीनों कंडीशन क्या क्या है ठीक है, इसका तीसरी कंडीशन है पर जो कोई भी ऐसी दल हो जो 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर चुकी हो और वह वर्तमान में 543 का 2% अर्थात 11 सीट मतलब 545 का 2% 11 सीट प्राप्त हो। 11 सीटें जो प्राप्त होंगी ये 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए ठीक। वर्तमान में राजनीतिक पार्टी है, पहले कितनी थी 6 थी, फिर 7 हुई, फिर 8, वर्तमान में कुल 8 राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता भी ली गई हो, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प है वो क्या होगा, सी का राइट लिखने का कौन कौन सी है जो इस समय क्या है लिख लीजिएगा, पहला क्या है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी हो गया, दूसरा आपका है लिख लीजिएगा हाँ दूसरा बहुजन समाज पार्टी, बहुजन तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा अगर हम बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर अगर हम पांचवें की बात करें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फिर छठे की बात करें नेशनल कांग्रेस पार्टी, सातवें की बात करें तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, अभी आठवां जो लास्ट में बना है वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी, क्या बना है नेशनल पीपुल्स पार्टी, अभी जो हाल में बना है वो कौन सा होगा नेशनल पीपुल पार्टी, ध्यान दीजिएगा यह जो आठवां बना है यह परीक्षा में पूछ जा सकता है, जो आठवां है ये 7 जून 2019 के चुनाव आयोग द्वारा मेघालय की मुख्यमंत्री कनराड के संगमा के नेतृत्व वाली पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। अब राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 हो गई है, अब राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है 8 है, यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जी हाँ राष्ट्रीय दल कितने हैं 8 हैं, यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है ठीक है। हमारा प्रश्न आपके सामने है, 2 सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रथम एक घंटे में प्रश्न पूछने उत्तर देने में लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है, इसकी मैं हर तथ्य की व्याख्या आगे चलकर करूंगा लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना होगा। जी हम एक मिनट आप लोग पहले शेयर कर दीजिएगा, ये क्लास 9:30 बजे चलती है जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, फेसबुक पेज यूट्यूब पे निःशुल्क लाइव चलती है 9:30 बजे, ऊपर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे लिंक दिया वहाँ पे जुड़ जाएंगे ताकि सभी क्लास के लिंक और पीडीएफ आपको निःशुल्क प्राप्त होती रहे ठीक है। साथ ही साथ आप सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं अपने सभी साथी मित्रों तक वीडियो शेयर कर देंगे। दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रथम एक घंटे प्रश्न पूछना ठीक है, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में जो समय लगा जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे क्वेश्चन हावर या प्रश्नकाल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं क्वेश्चन हावर कहते हैं या प्रश्नकाल कहते हैं। मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा कि प्रश्नकाल कितने बजे से कितने बजे तक का होता है, दूसरा शून्यकाल किसे कहते हैं, इन दोनों प्रश्न का जवाब जो लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं वे लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, इन दोनों को क्या कहा जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ ठीक, शून्यकाल क्या है कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर होगा प्रश्नकाल। अगला प्रश्न आपके बीच है, शून्यकाल क्या है, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब जरूर देंगे जो लोग लाइव देख रहे हैं। देखिए ये प्रश्न ऐसे परीक्षा में आपके आते हैं और आप लोग गलती कर जाते हैं, मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना, ये चाहे आप इन सभी प्रश्न का जवाब जरूर दें। चलिए अगर आप इसके जवाब नहीं देते हैं तो जानते रहिएगा शून्यकाल क्या है, भारतीय संसद की बैठक के प्रश्नकाल के ठीक बाद माने प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल के बाद ठीक है अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के
देखिए प्रश्नकाल के बाद क्या होती है, प्रश्नकाल हो गया 11 बजे हो गई आपका, ठीक है। लेकिन 11 बजे के बाद जब शून्य काल होता है, क्या होता है, 12 से 1 शून्य काल होता है। ये कितने बजे से होता है, ये 12 बजे, ये है दोपहर 12 से, दोपहर 12 से 1 बजे तक, 1 बजे तक का जो काल होता है उसे शून्य काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे शून्य काल कहते हैं। इसको रट लीजिएगा, इसे जानते रहिएगा, ठीक है। 12 बजे अर्थात 12 से 1 बजे तक के काल को शून्य काल कहा जाता है। इस काल बिना अध्यक्ष की पूर्वानुमति के किसी भी सामाजिक मुद्दे पे सदन पे पटल पे रखा जा सकता है। सामाजिक मुद्दे को क्या किया जाता है, पटल पे रखा जा सकता है, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रजातंत्र की जो संसदीय प्रणाली में शून्य काल की व्यवस्था की गई है, ये अनौपचारिक रूप से लोकहित समाज के विषय पर लाया जाता है। बिना सदन के अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के सदन के रूप में रखा जाता है, उस पर चर्चा किया जाता है, फिर संसदीय परिपाटी के रूप में से स्वीकार किया गया है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1960 में किया गया था। कब किया गया था, 1960 में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, ठीक है, प्रेस के द्वारा। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का शून्य काल के नाम से जाना जाता है, मानी प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो शून्य काल के नाम से जाना जाता है। एक बार आप लोग टाइम थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि 12 से 1 बजे है क्या, ठीक है। हाँ, जिनको लग रहा है बफरिंग हो रहा है, यहाँ पे 3 बिंदु दिया गया है, वहाँ पे जाकर वीडियो की क्वालिटी सही कर लेंगे, आपकी वीडियो साफ साफ चलने लगेगी, आपकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्लास की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दे बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जितने लोग भविष्य में एक सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं वे सभी देखिएगा, यहां पर इसे हम शून्य काल कहते हैं, ये भारतीय प्रेस की देन है। ये सबसे पहले शब्द का प्रयोग 1960 में किया गया था, 1960 में किया गया था। इसलिए जितने साथी लोग इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। ये क्लास पूरी तरह से आपसे निवेदन है कि समय से आप लोग लाइव आ जाए करिए, मोबाइल में अपने अलार्म लगा के रख लीजिए क्योंकि आपको सिलेक्शन जो लेना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। जो भी साथी, क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है भारतीय संसद, मैं इसलिए चाहूंगा कि इस प्रश्न टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए, तो जल्दी से मेरे शिक्षक साथी जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए आप सर। कमेंट इसलिए करिए ताकि आप जवाब देंगे, जब आप जवाब देंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कितना आपको आता है, नया सीखा, तो ये तभी पता चल पाएगा जब आप लोग अपना बेहतर देंगे तब, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं सीख पाएंगे हम आप। देखिए गलत सही जवाब जरूर देना चाहिए, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि गलत हो सही हो हमें जवाब जरूर देना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे अगर परीक्षा हाल में होते तो ये गलती हो जाती, लेकिन वही गलती हम सब यहाँ करेंगे ताकि परीक्षा हाल में होने वाली गलतियों से हम सब निपट सकें, ठीक। तो भैया बताइए जल्दी से, देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को जानना चाहिए और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आ चुका है। देखिए जीवी मावलंकर इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो ये 15 मई, देखिए पहली लोकसभा की बैठक जब हुई थी 15 मई 1952, पहली लोकसभा चुनाव के बाद से ये कब तक थे, 27 फरवरी 1956 तक थे। ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे, ये क्या थे, भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे। तो शायद मुझे लग रहा है आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से जानना चाहिए क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, यहां पे चाहे तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं मेरा उद्देश्य आपको सरकारी शिक्षक बनाना है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि मैंने आज का टॉपिक बताया था भारतीय संसद है जो लोकसभा का सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, आपका प्रश्न जो होगा वो क्लास के अंत में पूछेगा, सभी के प्रश्न का जवाब देंगे। मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैंने एक ट्रिक ये बताया था, देखिए ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आइए इस प्रश्न का हम लोग सही जवाब देते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इसका सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष होगा। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा। आइए इसके बारे में और हम जानने का प्रयास करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। देखिए लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो केवल अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, वह दलबंदी से मुक्त होता है। एक बार नियुक्त हो जाने पर वह निर्धारित सेनावृत्ति की आयु जो इस समय 60 वर्ष है वो अपने अबाध रूप से अपने पद पर बना रहता है। इसकी आयु जो क्या है, सेक्रेटरी जनरल की आयु कार्यकाल की जो आयु है वो 8 वर्ष है। कितनी है? एक बार वो नियुक्त होने के बाद 60 वर्ष तक रहता है। और वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये इनके प्रति उत्तरदायी भी होता है। वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के प्रति वो क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इसलिए जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया था उनके जवाब पूरी तरह से सही है। देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीटेट की तैयारी कर रहे हो, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां से आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कभी गलती ना हो, यहां पर गलती करिए, सीखिए, लेकिन परीक्षा हाल में गलती करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग ऐसे ही अपना प्रश्न का जवाब देते रहिएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी आपके चैनल पर करंट अफेयर की क्लास शुरू होने जा रही है, मास्टर करंट अफेयर जो हफ्ते में 2 दिन चलने वाली है, तो सभी लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम और सब्जेक्ट की क्लास आपके लिए जल्दी से शुरू करा सके, तब तक जब आपकी संख्या बेहतर होगी तब। ठीक है, चलिए यहां पे हमने देखा निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण एवं परीक्षण करता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत की संचित निधि, इसे कहते क्या है? इसे कहा जाता है भारत की संचित निधि। ध्यान से देखिएगा संचित निधि, यह हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर दोनों पर पूरी तरह से लाइव चल रहा है। ठीक है, तो ये भारत के संचित निधि का फंड नियंत्रक कौन करता है? इसका उत्तर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मतलब जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर भी, सभी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाए वर्तमान में, जी हाँ वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो राजीव महर्षि हैं। वर्तमान में कौन है? राजीव महर्षि हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपका तैयार हो जाएगा। वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि हैं। ठीक है, सभी साथी ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा? राजीव महर्षि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है जो बार बार, जी हाँ जो बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करेंगे। कोई भी धन विधेयक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रट्टा मार लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में हूबहू यहाँ से प्रश्न आएगा। जी हाँ जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे। कोई भी धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, ये धन विधेयक कहाँ है? ये भारतीय संविधान के, अगर संविधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन यह कहा गया है ये धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे रट्टा मान लीजिएगा। जितने लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं भविष्य में वो याद रखिएगा।
ठीक है, क्या कि लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, राज्यसभा केवल इस पर सिफारिश कर देता है और राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक को वापस करना भी जरूरी होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्यों? क्योंकि धन विधेयक लोकसभा, क्योंकि जो लोगों का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है, जिसे हम लगभग बजट कहते हैं, यह किस पर? जनता का अधिकार होता है। और जनता किसकर मिलकर बनी होती है? लोकसभा। कौन? लोकसभा इसे चुनकर भेजती है, इसलिए इस पर ज्यादा राइट जो होता है धन के संबंधित वह लोकसभा का होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए, ये ई लर्निंग पे दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चलती है और यह क्लास पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है, जो प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, फेसबुक पेज, यूट्यूब दोनों पर लाइव। क्योंकि मेरा आपको हर शिक्षक बनाना है, बस आपको अपना बेस्ट देना है, मेहनत करना है। देखिए बजट के मामले में, देखिए मैंने आपको पहले बताया, जस्ट ऊपर मैंने बताया, लोकसभा जो होती है वो जनता द्वारा चुनकर जाए गए प्रतिनिधि बनते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुन गए हैं, इसलिए बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है, उसके संचित तिथि पर भारत जो व्यय होता है भारी, उसके अन्य प्रकल्पों पर लोकसभा अध्यक्ष अनुदान की मांग के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दी 113 लोकसभा द्वारा उन्हें पारित कर दिया जाता है। कितना? 114 के तहत विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, माने 113, ध्यान दीजिएगा यहां पे अनुच्छेद 113 के द्वारा लोकसभा उन्हें पारित किए जाने के बाद 114 के तहत, अनुच्छेद 114 में उसे विनियोग के लिए विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। अगला प्रश्न आपका है, अब न तो लोकसभा के अध्यक्ष न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? बहुत ही यूनिक प्रश्न है। जी हाँ मेरे सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जब न तो लोकसभा का अध्यक्ष हो न ही उपाध्यक्ष हो, ये दोनों न हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ठीक है, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ पूरी ईमानदारी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, और इससे बाहर आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपको इस बात का भरोसा है तभी वीडियो अंत तक देखिएगा, और इसमें अगर आपको लगे कि वास्तव में, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, टेट पास हैं, शिक्षक बनने के कगार पे हैं, और ईश्वर करे आप लोग शिक्षक जरूर बने, ठीक है, तो वीडियो को लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, अपने ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर जरूर करिएगा। लाइक वाइक करने से ना पैसा नहीं कटता, बस लोगों की मदद हो पाती है, लोगों तक पहुँच पाता है, कर भला तो हो भला। कुछ देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना गया पीठासीन अधिकारियों का जो पैनल होता है उसमें से कोई एक सदस्य होगा। देखिए अगर अनुच्छेद 95 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर अनुच्छेद 95(2) की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल में से कोई भी एक सदस्य लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, किंतु लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष पद के दायित्व का ही निर्वहन करेगा। इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही विकल्प अगर कोई है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। जी हाँ 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि आपका प्रश्न परीक्षा में सही होना चाहिए। यहाँ पे चाहे जितनी बार गलतियां हो जाए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, इंसान गलतियों से सीखता है। हाँ यहाँ गलती हो, भविष्य गलती, इस बात हमेशा आपको याद रखना है, इस बात को हमेशा समझते रहना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपके कदमों में होगी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है। आपके लोकसभा के निर्वाचन की न्यूनतम आयु क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। देखिए यहां पे इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 84 ख में किया गया है, यह अनुच्छेद 84
फॉर्म इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा निर्वाचन की जो न्यूनतम आयु क्या है, देखिए 21 वर्ष जो है ये पंचायत चुनाव का है, पंचायत सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा या विधान परिषद, या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ठीक 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य या विधानसभा का सदस्य। इनका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न मैं यहां पे पूछूंगा, मैं देखता हूं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, न्यूनतम आयु क्या है, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए आयु क्या है। जितने लाइव देख रहे हैं सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं से निवेदन है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। सभी साथी जवाब देंगे जो लोग इस वीडियो को लाइव देखेंगे, सभी साथी जवाब देंगे। देखिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। अगर भारत का प्रधानमंत्री की जगह राज्य का मुख्यमंत्री होता तब भी प्रश्न यही होता, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होता जी हाँ 25 वर्ष इसका राइट आंसर है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, न्यूनतम आयु सीमा क्या है तो वह 25 वर्ष है। 25 वर्ष से कम भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चाहे राज्य का मुख्यमंत्री पूछे या प्रधानमंत्री, माने सीएम या पीएम बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह क्या है, वह 25 वर्ष है। यह याद रख लीजिएगा क्योंकि यह भर्ती परीक्षा में प्रश्न आएगा, आप गलती मत करिएगा, क्योंकि आपको एक सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी नौकरी करना है। राज्यसभा या विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है, पंचायत चुनाव या नगर निगम के लिए 21 वर्ष है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 35 है, लोकसभा या विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु है। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते खेत में नहीं। गलती मत करिएगा परीक्षा हाल में, क्योंकि आपको सरकारी शिक्षक बनना है और सरकारी शिक्षक यहां गलती करेगा, परीक्षा हाल में मत करिएगा, वरना एक एक पॉइंट से सिलेक्शन होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। प्रश्न आपकी लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो भी मेरे साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। आइए यहां पे हम बात करते हैं। देखिए यहां पर 530 सदस्य जो होते हैं ये राज्यों से चुनकर जाते थे, ठीक 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, दो आंग्ल भारतीय, दो अनुच्छेद संशोधन 104वां संविधान संशोधन के बाद इसे अनंत सामग्री पार कर दिया। 7 सीट अधिकतम, कुल कितने होते हैं 552। लेकिन आइए यहां पे मैं कई बातें आपको स्पष्ट करूंगा जो अभी तक आपको नहीं जानते। देखिए 530 क्या थे, राज्यों से जाते थे, कहां राज्यों से, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस 530 में कितने हो गए 530 राज्यों से थे, जम्मू कश्मीर में 6 निकल गए, प्लस 13 सशस्त्र प्रदेश के, 13 के प्रदेश के थे, लेकिन अब इसमें जुड़ गए कौन कौन जुड़ गए, ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन जुड़ गया, 5 जम्मू कश्मीर, 1 लेह लद्दाख, ठीक है इस प्रकार प्लस यहाँ पे 7 हो गया 552, तो 503 में 6 गया, 524 राज्यों से, 524 किससे 28 राज्य से, कितने 28 राज्य से, प्लस 13 6 19 8 केंद्र शासित प्रदेश से, इंपॉर्टेंट है ये किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर 7 ये अधिकतम है, ये क्या है अधिकतम, ये क्या है अधिकतम है, ठीक है ये 2 सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे थोड़ी सी यहां पे गलती हो गई, यहां पे गलती क्या हो गई, प्लस 2 सदस्य ये अधिकतम थे अब नहीं है, अब अर्थात इसका उत्तर होगा 552। आइए मैं यहाँ पे पुनः आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी साथी, ये क्लास 9:30 बजे चलती है, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर टेलीग्राम पे लिंक है, सभी साथी डेली क्लास के लिए जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा, पहले मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखिए 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, कितने राज्यों से, पहले
देते थे, इसमें से जम्मू कश्मीर का निकल गया 6, तो 524 सदस्य, 524 सदस्य कितने राज्य से? 28 राज्य से आते हैं। कितने? 28 राज्य से। पहले 13 केंद्र शासित प्रदेश से आते थे, लेकिन इसमें 5 जम्मू कश्मीर से, 1 लद्दाख से, कुल कितने हो गए? 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। इसमें एक बात और याद रखिएगा, 13 में 7 अकेले दिल्ली से, 7 अकेले दिल्ली से, और यहाँ से 1 पुदुचेरी से। किससे? 1 पुदुचेरी से। ये दोनों ऐसे हैं जहां का चुनाव होता है। विधानसभा का यहाँ पे 70 सदस्य हैं। कितने? 70। पुदुचेरी में 30 सदस्य हैं। देखिए, मुझे जितनी जानकारी मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। एक बात मैं और रिपीट करना चाहूंगा ध्यान से, कितने लोगों को समझ में आया? देखिए, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, तिबारा पढ़ाऊंगा, मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। मेरे पास जितना ज्ञान है ना, मैं आप सभी को पूरा पढ़ा दूंगा। अब अधिकतम अगर पूछेगा तो आप 550 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के बाद ये 2 मनोनीत सदस्य को हटा दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 331 में थे, इन्हें हटा दिया गया है। मैं दोबारा समझा रहा हूं, अगर समझ में नहीं आया है तो सभी लोग कमेंट करिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए सभी साथी, ठीक है? चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं इसे दोबारा समझा रहा हूं, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को सबसे पहला काम शेयर कर दीजिए सभी साथी, ठीक है? चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? चलिए, प्रश्न अब लास्ट में पूछेगा, मैं इसको दोबारा बताने जा रहा हूं, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, इस बार मैं शॉर्ट में रिपीट करूंगा, जिनको दोबारा सुनना वीडियो को बाद में देख लेंगे। देखिए, पहले क्या था, 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते थे, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते थे, जो संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद इसे अब हटा दिया गया, प्लस 7 सदस्य अधिकतम होते थे, कुल कितने होते थे? 552। लेकिन ये उत्तर हो गया 552, लेकिन 2 हट गया, इसलिए अब इसका नया उत्तर जो आएगा वो 550 रूप से, 7 अधिकतम, कुल कितना होगा? 550। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहां पर 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। समझ में आया आप लोगों को? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करेंगे जिस आपका सिलेक्शन है, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए अब इसका जो नया उत्तर होगा वो क्या होगा? 550, जम्मू कश्मीर के बनने से, और इसके पहले मैंने बता दिया, ठीक है? ये 543 सदस्य जो है ये निर्वाचित होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्वाचित, ये निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है? चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जिसको प्रश्न पूछना है लास्ट में पूछे, क्लास में डिस्टर्ब ना करें वरना आपको ब्लॉक किया जाएगा। लास्ट में आपके सभी प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, कितने दिनों तक यदि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य, यदि कितने दिनों तक लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, जिन साथी ने वीडियो को लाइक और शेयर किया, ईश्वर करें अगली शिक्षक भर्ती में जितने मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं हूबहू आएगा और उसका एक पद फिक्स होगा। जितने साथियों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है और जितने लोगों ने अलाइक किया है, भगवान उनकी बुद्धि विवेक सब कुछ ऐसे बनाए रहे और भर्ती परीक्षा उनके साथ यही हो जो दूसरों के साथ वो करते हैं, क्योंकि अच्छे लोग अच्छी जगह जाइए। देखिए, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक के अनुपस्थित रहता है उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए, बहुत ही सही जवाब दिया, इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 101 बिना अनुमति के, माने कोई लोकसभा का सदस्य लोकसभा की अनुमति के साथ रहता है तो उसे लोकसभा का स्थान उसका रिक्त घोषित किया जा सकता है। लेकिन 60 दिनों तक, 7 दिनों की जो गणना होती है, गणना जिसमें सदन सत्रावसित हो अथवा निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता हो, ठीक है? माने जो जो सदन स्थगित हो, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 60 दिन इसका राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने इसका उत्तर सी बताया था उनके जवाब पूरी तरह से सही हैं, ठीक है? देखिए, कुछ लोग 90 दिन बता रहे हैं, ठीक है, वो अलग है।
ठीक है, बददुआ जरूरी है देने के लिए, क्योंकि अच्छे लोग अगर दुआ नहीं प्राप्त करेंगे तो बुरे अच्छे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आप लोग अच्छे लोग हैं इसलिए अच्छे लोग अच्छे के अधिकारी हैं। ठीक, जो भी जो जैसा करेगा वैसा उसको कर्म का फल मिलना चाहिए। आप लोग अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोग अच्छी जगह जाए, बुरे जगह जाए, क्योंकि भैया तभी अच्छे बुरे का फल समझ में आएगा। नहीं, सभी को एक ही तराजू तौल देंगे तो भैया अच्छे लोग को भी मानहानि होगी ना। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। देखिए, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई अलग से न्यूनतम आयु नहीं बनाई गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 1984-2 के तहत उसकी लोकसभा के सदस्य की अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, जो प्रधानमंत्री की न्यूनतम सीमा मानी जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या है, वो क्या है, वो 25 वर्ष होगा। ऊपर मैंने व्याख्या दिया था, प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो क्या है, 25 वर्ष है। क्या है? 25 वर्ष है। इसलिए उन सभी का जवाब सही है। ठीक है, 35 वर्ष जो है ये राष्ट्रपति का है, ये किसका है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, या उप राष्ट्रपति हो। ठीक है, 30 वर्ष विधानसभा या विधान परिषद, ये 8 वर्ष क्या हो, मतदान करने की उम्र है। मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। क्लियर हुआ? ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 81 वर्ष की आयु में भाग्य कि सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन है, भारत के सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी द्वारा एक जनता दल की सरकार बनी थी, और जनता दल के सरकार का जो प्रधानमंत्री थे देसाई, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन जी लगातार 2 कार्यकाल तक वाले थे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मोरारजी देसाई, इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। डेली निशुल्क क्लास रात 9:30 बजे चलती है, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा। जी हाँ, सभी विषयों की पहले विविध चलेगी, 30 नंबर की, 10 नंबर की जीएस, 10 नंबर की साइंस, और करेंट अफेयर आपकी सीरीज जल्दी शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक, अभी आपने देखा है, इससे वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, कि कौन है, नरेंद्र मोदी जी। कैसे? 2014 से 2019, 2019 से अब तक। ठीक है, इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार आम चुनाव के बाद 2 बार निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 बार लगातार निर्वाचित होने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। माने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। जी हाँ, ये वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग दुर्गेश पर लाइव निःशुल्क चलता है, प्रतिदिन 9:30 बजे। ठीक है, अच्छा, इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। ठीक है, इसके पहले कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। ठीक है, इसलिए नरेंद्र मोदी। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे वर्तमान में नरेंद्र मोदी थे, विकल्प के आधार पर हमने बताया। हम आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, प्रधानमंत्री, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी साथी प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। कितने लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में हूबहू यही से प्रश्न आएंगे। अगर भारतीय संसद से प्रश्न पूछा जाएगा, इस टॉपिक से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इस टॉपिक के बाहर एक भी लेक्चर नहीं आएगा, क्योंकि मैं प्रश्न की व्याख्या के साथ साथ जो हम उसकी लेक्चर देते हैं, जो उसके तथ्य को समझाते हैं, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण के लिए। आपने ये क्लासेस जौनपुर जनपद से संचालित की जाती हैं, जो पूरी तरह से निशुल्क हैं। यहाँ पे अन्य क्लास के लिए आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है, एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? जी नहीं, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा चुना जाता है? जी नहीं। ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है? जी हाँ,
चुना नहीं जाता, वंशानुगत होता जी नहीं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा सभी लोग बताइए। देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं इसका यकीनन आप लोग एकदम जीवंत कक्षा है, जवाब दिया करिए गलत है सही सभी लोग जवाब दिया करिए। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रहिए। कितने लोग कल फिर 9:30 बजे क्लास लाइव रहेंगे, कितने लोग, क्योंकि कल की क्लास लोग संसद अगला पाठ होगा, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। एकदम आसान प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है, लेकिन जवाब सभी को देना है। जो भी साथी मित्र वीडियो को लाइव, सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी इस वीडियो का देखने के बाद जवाब जरूर देंगे। ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करें जितने भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए निर्वाचन के द्वारा जी नहीं, निर्वाचन के द्वारा लोकसभा के सदस्य आते हैं, कौन आते हैं, लोकसभा सदस्य। मनोनय के द्वारा, देखिए मनोनय कौन, मनोनय किसका होता है, आंग्ल भारती, कौन, आंग्ल भारती, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 331। भर्ती के द्वारा, भर्ती शिक्षकों की होती जैसे आपकी होगी, ठीक है, शिक्षकों की हो, ये होगा नियुक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, नियुक्ति के द्वारा। ये कहां कहा गया है, ये संविधान के अनुच्छेद 75(1) में इसका उपबंध किया गया है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, किसको, नेता को, बहुमत दल के नेता की नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यह लाइन आप लोग याद रखिएगा, यह सेंटेंस आप लोग याद रखिएगा कि बहुमत दल के नेता की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, एकदम रट्टा मान लीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों, मंत्री की नियुक्ति, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार, थोड़ा तेज लिखते भी है, नियुक्ति पीएम की सलाह पर करेगा, किसकी, पीएम की सलाह पर करेगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए सभी विकल्प को मैं ध्यान से बताना चाहूंगा, एकदम चारों विकल्प को, देखिए कितने लोग कल की क्लास में रहेंगे 9:30 बजे, जितने भी शिक्षक साथी डेली क्लास में आना चाहते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक हो टेलीग्राम का, उस लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। देखिए निर्वाचन के द्वारा लोकसभा के सदस्य आते हैं और लोकसभा सदस्य का बहुमत दल का जो नेता होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। दूसरा मनोनय के द्वारा, अनुच्छेद 331 के द्वारा आंग्ल भारती जो दो होते हैं इनका मनोनय जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। भर्ती के शिक्षक जाते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा, जैसे सुपर टेट, जैसे क्या हो गया, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, नियुक्ति। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया, मैं आगे और भी पढ़ा रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, कमेंट करके बताएं। जितने लोगों को समझ में आ गया वाई, जिनको नहीं समझ में आया एन, जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम है वो अपने मोबाइल की रिफ्रेश करें या वीडियो को कई बार देखें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। स्क्रीनशॉट हो गया, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, स्क्रीनशॉट हो गया। मैं आगे बढ़ाऊं अगले प्रश्न की तरफ, सबको समझ में आ गया, एक लाइन इस क्लास के बारे में बताइएगा, क्योंकि जो आपके जुड़े हैं 10-10 लोगों को क्लास में जोड़िए, एक लाइन बताइए क्लास कैसी लगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, कोई कमी हो वो भी जरूर बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है कहां पर है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा, अभी तो हाल ही में बदल गया है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, ये ध्यान दीजिएगा, आजकल हम इसे पीएमओ कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग का जो मोटिवेशन मिलता है उससे हमें और मेहनत करने की उम्मीदें बढ़ेंगी और मैं आप लोग के लिए और मेहनत करूंगा। अब अगर आप लोग प्रतिदिन कक्षा में 10 लोगों को जोड़िए, केवल 10 लोगों को, यकीनन
आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है ये संसदीय कानून बनाकर निर्मित की गई है। ध्यान से देखिएगा, ये संवैधानिक उपज नहीं है, ये नहीं संजोग नहीं है, संविधान निर्माण जी नहीं। देखिए, सरकारी कार्यालय विभाजन जो नियमावली थी 1961, उसके तहत प्रधानमंत्री कार्यालय को भारत सरकार के विभाग का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, और वह प्रधानमंत्री के व्यापक दायित्व को निर्वहन करने में मदद करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह सी इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। ऊपरी सदन का मतलब यहाँ पर क्या पता है, इसे उच्च सदन कहते हैं, अर्थात इसका मतलब कहने का है राज्यसभा। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, जैसे इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो क्या थे, ऊपरी सदन के सदस्य थे। तो सब बताइए कमेंट करके, सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ सभी साथी, जी हाँ, ये 9:30 बजे चलती है, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए। बाकी क्लास के लिए बाकी इसकी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करिए या जहाँ पे कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक पिन किया हुआ लिंक है, उस लिंक पर जुड़कर टेट सी टेट यूपी टेट सुपर टेट सभी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए इसमें से कोई नहीं होगा नहीं, 6 महीने के अंदर जो सदस्य प्राप्त करनी है ये कब होगा, जब कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री बना दिया जाए तब उसे 6 माह के अंदर सदस्य लेना अनिवार्य। लेकिन लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा, वह कहां पर देगा, वह लोकसभा में ही देगा, कहां भी देगा लोकसभा में। मतलब प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो, मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो उसे अपना जो बहुमत है वो हमेशा लोकसभा में ही साबित करना पड़ेगा। कहां पर, लोकसभा अर्थात निम्न सदन में, निम्न सदन में। आइए इसके बारे में मैं और चीजें आपको बताने का प्रयास करता हूं। प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री अपने पद प्राप्त करने के लिए उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। लेकिन यदि किसी का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य लेना अनिवार्य है। क्या है, अगर वह सदस्य नहीं है, जैसे आपकी उम्र अगर 25 वर्ष है और बहुमत दल के नेता है, ठीक है, और आप चुनाव हार जाते हैं तो आपको प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया जाएगा। 6 माह के अंदर आप चाहे लोकसभा के सदस्य ले चाहे आप राज्यसभा के लिए, 6 माह के अंदर, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यदि कोई प्रधानमंत्री पद की नियुक्त व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर किसी की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, अर्थात उसे 6 माह के बाद उसे पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन यदि प्रधानमंत्री ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा का सदस्य है तो उसे लोकसभा में विश्वास मत नहीं दे सकता, लेकिन चर्चा में भाग ले सकता है। यहाँ पर विश्वास मत की बात है, वह विश्वास मत कहाँ पर होगा, वह लोकसभा में विश्वास मत नहीं दे पाएगा, कहाँ देगा, वह अपना विश्वास मत जो होता है प्रधानमंत्री अपना विश्वास मत जो है वह राज्यसभा में देगा। विश्वास मत कहाँ देगा, राज्यसभा में देगा, ठीक है। वह लोकसभा में विश्वास मत नहीं दे सकता लेकिन वह चर्चा में भाग जरूर लेगा, क्या करेगा, चर्चा में भाग जरूर ले सकता है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां से अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं सर आप बद्दुआ देते हैं, तो देखिए अच्छे लोगों को दुआ देनी चाहिए, अगर आपके बुरे लोग अगर आपके सामने हो तो हमेशा उनके साथ अच्छे बुरों का फर्क करना चाहिए, वरना समाज में अच्छे बुरों का संबंध खत्म हो जाता। इसलिए भारतीय संविधान पढ़ रहे होंगे आप, आईपीसी जानते होंगे, आईपीसी बुरे लोग के लिए है, जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके लिए, ताकि अच्छे लोग बुरे ना बनने पाए, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहली मशहूर हस्ती लाभ के पद के मुद्दे पर राज्य की सदस्यता छीन ली गई थी वह कौन सा है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है ये, बहुत ही रेयर केस में आपको मिलता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, अच्छे बुरों का जवाब अंतर होना चाहिए, वरना आपकी क्या वैल्यू, आपकी भी वैल्यू उन्हीं के लोग की तरह होगी, लेकिन आप अच्छे लोग हैं इसलिए अच्छे लोग जरूर ईश्वर भी उनका साथ देता है, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी पहली मशहूर हस्ती के मुद्दे पर कौन था वो, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए इसका जया बच्चन थी, कौन थी, जया बच्चन। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 है जो संसद सदस्यों के लिए निहर्ताएं वर्णित करता है, कौन सा अनुच्छेद 102, उनकी निहर्ताएं क्या होंगी, उनकी अर्हताएं क्या होंगी, ये कौन अनुच्छेद 102 में वर्णित हैं।
लाभ के पद पर, आपने सुना होगा वो भारत का नागरिक हो, पागल है, दिवाली ना हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद द्वारा बनाए गए विधि का पालन करता हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, राज्यसभा के लिए है कि वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो संसद सदस्य बनने के बाद फिल्म अदाकार जया बच्चन जो थी वो लाभ के पद का दोषी बनाते हुए उनकी राज्यसभा के सदस्य पद छीन ली गई थी। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब आई थी? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब हुई थी? सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, लोकसभा का जो पहला आम चुनाव था वह कब हुआ था, 1951 से 52 में संपन्न हुआ था, ठीक है। लेकिन पहली लोकसभा जो थी, पहली लोकसभा जो गठित हुई थी, क्या हुई थी, गठित हुई थी, कब गठित हुई थी किसी को पता है? 17 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 17 अप्रैल 1952 को, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक, समझ में आया आप लोग को? किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1952 होगा। क्या होगा, 1952 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। निम्नलिखित में से किसमें 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल था? आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल तो आप जानते हैं 5 वर्ष होता है। क्या होता है, 5 वर्ष होता है। क्या इसका कार्यकाल बढ़ाया घटाया जा सकता है? जी हाँ, घटाया भी जा सकता है, कैसे, अपने पद से त्याग पत्र दे दे या लोकसभा भंग हो जाए। लेकिन क्या इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो कौन सी लोकसभा में इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था? लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ाकर किया गया था? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, किसी भी लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था किसी को पता है? ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा जो हुई थी वो कब से कब थी, 1971 से लेके 77, अर्थात ये कितना था, 6 वर्ष तक के लिए, कितना, 6 वर्षों के लिए। क्यों, आइए जानते हैं। क्योंकि भारत में आपातकाल लगा था, क्या लगा था, 1975 से लेकर 77 तक भारत में आपातकाल था। आपातकाल था, जिसके कारण 42वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संशोधन 1976 में कार्यकाल बढ़ाकर इसका कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। कार्यकाल कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष। लेकिन फिर आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन 1978 में पुनः पाँच वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, उस समय पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौन थी, इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति की बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री जो थी, पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, प्रेसिडेंट जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें कितने लोग को समझ में आ गया, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। यार, समझ में आ रहा है आप लोग को, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बताइए यार, कमेंट करके तो बताइए। मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी खत्म नहीं हो रहा है, मैं पूरा तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और आपका उद्देश्य मेहनत से ईमानदारी से पढ़ना है, कॉपी कलम लेकर बैठना है। लोकसभा 1971 से 77 तक थी, 6 वर्षों तक। लोकसभा कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष का होता है, लेकिन
बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, लेकिन अगले संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन में 1978 पुनः इसे 5 वर्ष कर दिया गया और आज भी इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। शबनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये जो आपातकाल लगा था ये अनुच्छेद 352 वाला था। पूछो लोग पूछ रहे हैं सर कौन से अनुपात, ये 352 वाला था। कौन सा आपातकाल था उस समय? 352। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न आ रहा है अभी तक कितने लोकसभा हुए? 15 लोकसभा, 16वीं, 17वीं, 18वीं। सभी लोग कमेंट करके बताएं वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चल रही है, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, कौन सी लोकसभा चल रही है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकसभा में कोरम पूर्ति, इसे कोरम पूर्ति को हम गण पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? गण पूर्ति। अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था, क्या कहते हैं? गण पूर्ति कहते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, ऊपर मैंने पढ़ाया था कि गण पूर्ति के लिए कितने कितने सदस्य होने चाहिए। देखिए 5 वर्ष के पूर्व भी भंग की जा सकती है राष्ट्रपति की सलाह पर। सभी के प्रश्न का जवाब मिलेगा, सभी के प्रश्न का जवाब मिलेगा, लेकिन आप लोग बस वीडियो के अंत में जितने सवाल हैं सब लोग पूछिएगा। ठीक है, सभी साथी क्लास खत्म, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब करके आप भी होंगे और इसमें जो 500 लोग लगभग देख रहे हैं उनको भी दिक्कत होगी फेसबुक पर यूट्यूब पर मिलाकर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लोकसभा कोरम पूर्ति। देखिए कोरम पूर्ति को मैंने ऊपर बताया था, देखिए ये संविधान का कहा मैंने ऊपर भी बताया था कि अनुच्छेद 100 में इसका वर्णन है, 103 में इसका वर्णन दिया। इसका गणपूर्ति का मतलब कितना होता है? देखिए संसद के प्रत्येक सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ये दोनों में अप्लाई होता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, लोकसभा या राज्यसभा, उसकी गणपूर्ति के लिए इनके सदस्य की 1/10 सदस्य चाहिए। 1/10, 1/10 अवश्य गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा या राज्यसभा का सभापति बैठक स्थगित कर देगा, मगर इससे कम अगर है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है, इसका अध्यक्ष चाहे इसका अध्यक्ष, अगर इससे कम है तो उसको क्या कर देगा, उस सदन को स्थगित कर देगा। 1/10 अगर लोकसभा की बात करें, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 55 सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा की बात करें तो 25 सदस्य होता है। कितना? 25। इसका कितना होता है? 55। अगर इनसे कम सदस्य है तो क्या कर देता है, जो इसका अध्यक्ष होता है या प्रदेश सभापति होता है वो उसको स्थगित कर सकता है बैठक को। क्या कर सकता है? बैठक को स्थगित कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में आ गया? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उनके जवाब पूरी तरह सही है। देखिए प्रश्न का उत्तर बताना बड़ी बात नहीं है, उसकी व्याख्या जानना बड़ी बात है। मैंने आपसे पहले बताया पूरे YouTube पर ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी जो चारों विकल्प की व्याख्या करे। ये क्या है? ये जो सी दिया है ये क्या होता है? ये आपने देखा होगा जमानत जब्त, ये जमानत जब्त होता है। अगर कुल वैध मतों का कोई व्यक्ति 1/6 सदस्य कम पाता है तब। ठीक है, 1/3 सदस्य क्या होता है? ये बहुमत के लिए होता है। 1/4 जब अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है, जब अनुच्छेद 61 के तहत उस समय 1/4 सदस्य की हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा। इसलिए यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या है? डी हो गया। सबको समझ में आ गया? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं क्या सबको समझ में आ गया। यार आप लोग अभी भाग रहे हैं, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। चल रही है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, किस वर्ष में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे? देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर संसदीय चुनाव चुनाव भी 3 प्रकार का होता है, पता है कि नहीं आप लोग को? देखिए चुनाव 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, मैं तीनों चुनाव के बारे में बता दूं। चुनाव 3 प्रकार का होता है। देखिए एक होता है आम चुनाव, एक होता है मध्यावधि चुनाव, तीसरा होता है उपचुनाव। ये 3 चुनाव होते हैं, मैं आगे इसके बारे में
पढ़ाऊंगा। तीन प्रकार के चुनाव होते हैं, तीनों की व्याख्या मैं करूंगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर, पता है पूरा थक गए हैं, पूरा थकावट लग गई, लेकिन आप लोग ने इतनी मदद नहीं कि लोगों तक तो पहुँचा दें। संधि चुनाव कब कब हुए थे अगर इस विकल्प के आधार पर देखें तो 1996 में हुआ, ठीक, फिर 2 साल बाद फिर होता है, 1998 में होता है, फिर उसमें कारगिल युद्ध होता है, उस समय भी हमारे यहाँ चुनाव होता है, ठीक। ये तीन चुनाव ऐसे थे जो लगातार क्रमिक रूप से हुए, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देने वाले इसमें कौन सा विकल्प जो है नहीं है, तो यहाँ 1997 में चुनाव नहीं हुए थे, इसलिए यही सही है, इस समय हुए थे, इस समय हुए थे, इस समय हुए थे, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या लगाएंगे आप, 20 प्रश्न का राइट आंसर लगाएंगे। आइए चुनाव के बारे में हम समझा देते हैं, ठीक है। आइए हम चुनाव के बारे में, आम चुनाव जो होता है ये पूरे कार्यकाल के लिए होता है, क्या होता है, पूरे कार्यकाल के लिए होता है, जैसे पूरे कार्यकाल, जैसे अगर एक चुनाव खत्म होता है अगली चुनाव जो चुनकर आएगी, ठीक है। एक प्रश्न आया है कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से जिसमें वोट देती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जिस चुनाव में जनता वोट करने नहीं जाती उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री जो बनता है लोकसभा का या विधानसभा में, आप वोट देते हैं, उसका सदस्य जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपना नियुक्त करते हैं, बहुमत दल का नेता, कि राष्ट्रपति की चुनाव नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, विधान परिषद या राज्यसभा के चुनाव अपने मतदान किया नहीं किया तो अप्रत्यक्ष मतदान हो गया, वो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, ठीक है। मध्यावधि चुनाव क्या होता है, जब मध्य में, जब बीच में कार्यकाल खत्म हो जाए तब भी मध्य में, तब ये भी क्या होते हैं, ये भी पूरे कार्यकाल के लिए होता है, ये भी कार्य होते हैं। जैसे कल्पना करिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अगर अपने लोकसभा को भंग कर दे फिर से चुनाव पूरा कराएंगे तो उसे मध्यावधि में होता है, लेकिन पूरे कार्यकाल के लिए होता है। आम चुनाव कार्यकाल पूरा होने के बाद होता है, ये मध्य में होता है, ये कार्यकाल पूरा होने के बाद। उपचुनाव, जैसे मैं यहाँ से चुनाव लड़ा जौनपुर से, मेरी डेथ हो गई, तो जब मेरी ये पता चला मैं 4 साल तक रहा, 1 साल मेरा कार्यकाल बचा था, तो अगला जो चुनाव होगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, उसे उपचुनाव कहते हैं, उसे चुनाव कहते हैं, समझ में आया आप लोग को। उपचुनाव किसे कहते हैं, जैसे बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होता है उसे हम उपचुनाव, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए सांसद हो गया, ठीक है, कुछ दिन के बाद 3 साल बाद मेरी मृत्यु हो जाती है तो बचा कार्यकाल कितना, 2 साल। अगर यहाँ पे कोई चुनाव होता है सांसदी का तो केवल 2 साल तक रहेगा, उसे हम उपचुनाव, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए मध्यावधि चुनाव क्या, बीच में चुनाव होगा, ये भी पूरे ये कार्यकाल के लिए होते हैं, ये कार्यकाल खत्म होने के बाद होता है, ये कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे कर लें, चाहे तो आपकी आत्मा कहे कि वीडियो को शेयर करना चाहिए, जरूर शेयर करिएगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, मेरा आपसे निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इससे बेहतर अगर यूट्यूब पे कोई क्लास पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी आत्मा हृदय कहती है कि इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता, चारों विकल्प भी कोई व्याख्या नहीं करता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन कौन कराता है, ठीक है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, क्योंकि मैं जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में निःशुल्क आपको प्रतिदिन पढ़ाता हूँ, ये क्लास 9:30 बजे चलती है डेली, यूट्यूब और फेसबुक पर निःशुल्क चलती है, जिस टेलीग्राम पे में जो भी साथी नए आ रहे हैं सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आता है कि संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बनाई जाती है, एक अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 108, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 108 के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जब कभी लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में या गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या एक सदन विधेयक को पारित कर देता है, दूसरा उसे अस्वीकार कर देता है या संशोधन प्रस्तावित करता है, इससे पहला सदन सहमत नहीं होता, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति क्या करता है, अधिवेशन बुलाता है, ध्यान दीजिएगा, अधिवेशन बुलाता है, ध्यान दीजिए, यहां पे लिख दे रहा हूं, अधिवेशन बुलाता है, क्या करता है, बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, यहां पे प्रश्न आया है अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता जो है
अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन माने अनुच्छेद 368, इन दोनों में 108 माने 108 का मतलब आर्टिकल 108 मान्य नहीं है। माने संयुक्त अधिवेशन कहाँ कहाँ नहीं बुलाया जा सकता, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा सभी लोग, क्योंकि देखिए सिलेक्शन वाली क्लास है, ठीक है, आपकी संख्या बढ़ने की जगह कम हो रही है, ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपने LLB किया, जी नहीं, मैं UPSC का एक अभ्यर्थी रहा हूँ, पिछले 10 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2 बार मैंने UPSC मेंस दिया है, IAS मेंस दिया है, लेकिन मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया, और लेकिन लगातार मैं परिश्रम कर रहा हूँ और मेरे परिश्रम मेहनत का परिणाम है जो मैं आज आपके बीच लाइव हूँ। लेकिन अगर आप लोग का प्यार और साथ इसी तरह बना रहेगा, एक दिन ये संख्या लाखों में लोग देखेंगे, आप शेयर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और प्रतिदिन 10 लोगों को जरूर जोड़ेंगे। तो ये मेरी मेहनत है, मेरी माता पिता के आशीर्वाद है, आप सभी का प्यार है, आप सबके माता पिता का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर पाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ ये कि मेरा पसंदीदा विषय है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, मॉडर्न इंडिया महत्वपूर्ण है, और बफरिंग नहीं हो रही क्योंकि मैं बगल में मोबाइल चला के बैठा हूँ, इसलिए यहाँ पर बफरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने मोबाइल को चेक करें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मैंने आपको यहाँ पर जितनी चीज़ें बताई कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति सदन को बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए इस प्रश्न का अगर उपयुक्त विकल्प अगर पूछेगा कोई, तो ए इसका सही जवाब लगाएंगे, क्योंकि यहां पे अध्यक्षता पूछा है। क्या पूछा? अध्यक्षता। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? ए होगा। अधिवेशन अगर पूछता तब भी होता, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी इच्छा है आपका सिलेक्शन, इसलिए मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं। आप सभी अगर अपने परिवार से सफल होंगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को सुधारेंगे, जिस विद्यालय में जाएंगे उस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप पूरी ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, लास्ट में हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, जो भी साथी जो भी सवाल पूछेंगे, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब दिया जाएगा? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए ये अनुच्छेद 94 में दिया गया, कहाँ पे दिया गया है? अनुच्छेद 94 में दिया गया है, 94 में दिया गया है। जब लोकसभा विघटित कर दी जाती है तब लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता, याद रखिएगा, वह विघटन पश्चात नई लोकसभा तक अपने पद पर बना रहता है। इसलिए यह भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही, क्या है इसमें से कोई नहीं। देखिए रद्द होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने गलत बताया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपको इसका उत्तर गलत दिया है, इसलिए मैं आपका समय ज्यादा नहीं लिया। इसका उत्तर डी होगा, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 94 कहता है कि लोकसभा विघटित होने के बाद जब तक अगली लोकसभा ना आ जाए तब तक। थैंक यू, आपका और मेरी वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से हुआ है, आपके माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 94 ये कहता है कि जब तक नई लोकसभा गठित होकर न आ जाए उसके प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वो अपना अध्यक्ष बना रहता है। ये कहाँ दिया गया है? ये संविधान का अनुच्छेद 94 में इसका वर्णन किया गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा एक प्रश्न आ रहा है कि सुधराता जी का, सर आपका सुपर TET निकला है तो कहाँ जॉब लगा है? मैं जौनपुर जनपद के सिराज हिंद में एज ए सहायक अध्यापक पे हूँ, और इसके लिए आप दुर्गेश सर सर्च करके हमारे फेसबुक पेज पे जाइएगा, वहाँ पे सारी फोटो डेली की डेली फोटो पड़ी है। इस समय मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मोहल्ला क्लास में जाता हूँ, जहाँ पे मैं सभी बच्चों को पूरे जो मेरे पास समय बचता है मैं आप सभी के लिए अपना समय देता हूं, ताकि आप लोग भी भविष्य में सहायक अध्यापक बनने के बाद अपने बेसिक परिवार का हिस्सा बने और उन गरीब परिवार के बच्चों की पूरे मनोयोग के साथ सेवा करें। इसलिए बहुत सारे साथी मुझे जो जानते होंगे वो कमेंट करके किसी उसकी स्क्रीनशॉट देने की जरूरत नहीं है, अब फेसबुक पे जाएंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नौकरी करें, ठीक है चलिए, मेरा नाम किसी को नहीं पता, भैया जिनको पता वो बता दे, रेगुलर जो पढ़ते हैं मेरे साथ जो पिछले कई सालों से जुड़े हैं। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, फटाफट कमेंट करिएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये शपथ ग्रहण नहीं करता है। प्रश्न पूछता है किसके सामने ग्रहण किया जाता है, तो किसी के सामने ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 93 में है। कहां पे है? अनुच्छेद 93 में है। चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर अभी तक सही नहीं बताए हैं, कुछ लोगों ने सही भी बताया है, कुछ लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जी नहीं, ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उपयुक्त विकल्प होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक, जितने लोग को मेरे बारे में कोई प्रश्न पूछे आप लोग उनका जवाब दे दिया करिए, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या नाम है, कैसे क्या करता हूँ, किस बैच में हुआ है, ठीक है सब कुछ आप लोग उनको जवाब दे दिए। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, लोकसभा सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में दिया गया है, 74(1) में दिया गया है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होती है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होती है जिसका प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तीन प्रकार होते हैं, मंत्रिपरिषद के तीन प्रकार होते हैं आप जानते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। उपमंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, सरकार के सभी महत्वपूर्ण नीतियां निर्णय इसी मंत्रिमंडल के बैठक में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री कहता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की भी अध्यक्षता करता है। एक होता है किचन कैबिनेट, किसी को पता है किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी जाएंगे कि किचन कैबिनेट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप के तौर पर किसको जवाब दे होता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए ये ऑनलाइन क्लास संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज जौनपुर जनपद से निःशुल्क चलाई जाती है मेरे द्वारा, एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको फ्री क्लास मिलती है। अन्य सभी क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर सभी क्लास निःशुल्क आपको मिलते रहते हैं। ये क्लासेज प्रत्येक 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती हैं। मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप के तौर पर किसको जवाब दे होता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। मंत्रियों की काउंसिल, देखिए यहाँ पे ऐसे होगा कि मंत्री परिषद, मंत्री हिंदी में लिख दे रहा हूं, परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तरदायी होती है। इसका उत्तर आपको पता कहां मिलेगा? अनुच्छेद 75(3) में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? अनुच्छेद 75(3) में। ठीक है, समझ में आप लोग को? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, याद रखिएगा सभी लोग। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर लोकसभा नहीं है मंत्री कहाँ रह जाएंगे यार? अभी कल्पना करिए कि भारत की मंत्रिपरिषद भंग हो जाए तो कोई मंत्री प्रधानमंत्री रहेगा? ठीक है, समझ में आप लोग? अरे बताइए, जब तक लोकसभा नहीं है विधानसभा नहीं है। देखिए लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यार जब तक संसद में बहुमत नहीं होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, सॉरी लोकसभा में और विधानसभा में,
लोकसभा के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद और विधानसभा के लिए राज्य मंत्रिपरिषद दोनों उत्तरदायी होते, याद रखिएगा। अब ये मत कहिएगा सर अगर राज्य मंत्रिपरिषद आएगा तब क्या होगा, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। समझ में आया आप लोग को? यार आप लोग कमेंट करिए, 9:30 बजे अपने 10 साथियों को जोड़िए, मेरा उद्देश्य सिलेक्शन है आपका, हम आपको इसलिए निःशुल्क क्लास दे रहे हैं ताकि आप भी देश हित में कुछ काम कर सकें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जुडिशरी रिव्यू, ठीक है, जुडिशरी रिव्यू के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। रात अपनी होती है और मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा। घड़ी कितना बजाती वो बात मायने नहीं रखता, मायने वो रखता है जब आप सफल हो जाएंगे। इसलिए सभी लोग सवाल अपने लास्ट में पूछेंगे, जैसे क्लास खत्म होगी वैसे ही, टाइम मायने नहीं रखता, आपका सफलता मायने रखती है। इसलिए घड़ी देखने वाले हमारी क्लास में केवल एंट्री करा करें कि 9:30 बज गया क्लास में जाना है, खत्म कब होगा, रात अपनी है यार। ये होता है संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी रिव्यू केवल हमारे भारत में है और अमेरिका के संविधान में है, मतलब अगर संविधान संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मूलाधिकार का हनन करती है या हमारे नागरिकों को मूलाधिकार को ठेस पहुंचाती है तो जुडिशरी उसके रिव्यू करने के बाद उस भाग को या पूरे सेक्शन को रद्द करने का अधिकार रखती है। जैसे भी पूछा जाए 99 संविधान संशोधन अगर आपने पढ़ा होगा शायद आपको ये पता होगा। ठीक, चलिए एक ही प्रश्न को बार बार टाइप मत करिए, कॉपी पेस्ट मत मारिए वरना टीम आपको ब्लॉक मार देगी। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आप लोग बहुत भाग रहे हैं, ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोग को आखिरी प्रश्न करा दे रहे क्योंकि आप लोग घबराना शुरू कर दिए, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। किसी भी समस्या के लिए ऑनलाइन या नोट संबंधी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश की ऑफिस का नंबर है। ये क्लासेस जौनपुर जनपद से संचालित होती हैं, मेरे द्वारा ये क्लास फ्री राष्ट्रहित में देशहित में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और 9:30 बजे आप लोग लाइव आ जाया करिए और साथ ही साथ ये वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दिया करिए। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, यहाँ पे लिंक आपको वहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। देखिए राज्यसभा को केवल कौन सा अधिकार प्राप्त है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो चीजें हैं आपकी जो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए अनुच्छेद 312 के द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्यसभा अपने सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 से अखिल भारतीय सेवाओं को अनुमोदन कर सकती है। ये है अनुच्छेद 312। ISPCA जिसे आप कहते हैं, IAS है, IFS है, IEES है, जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IAS हो गया, IES हो गया, IFS हो गया, तो ये जो नई राष्ट्रीय अखिल भारतीय सेवा है ये केवल राज्यसभा कर सकती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। इसके अलावा 249 भी है, अभी आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे, 249 किसी भी संरक्षण करना, किसी भी इमारत जो है उसको भी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है, देखिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया ये किसी भी सदन से हो सकती है। संसद के महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है मैं इसकी भी व्याख्या कर दूं, संसद के किसी सदन से, किसी सदन से उपराष्ट्रपति उसके पद से हटाना ये केवल राज्यसभा से, राज्यसभा से पारित होती है, लेकिन सुझाव के लिए लोकसभा
ठीक है, इसलिए इसका उत्तर ये भी गलत होगा। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ये महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में क्लियर हुआ। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे, ठीक है, चलिए अब हम लोग आपके सभी प्रश्न का जवाब देते हैं। क्लास खत्म हो चुकी है, मैं छोटा सा सवाल पूछूं आपसे तब मैं प्रश्न का जवाब दूं। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट का जवाब दीजिएगा, तब मैं आगे बताऊंगा। मैं एक एक प्रश्न के सभी का जवाब देना शुरू करूंगा। सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि अनुच्छेद 249 क्या है, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 249 क्या है, अनुच्छेद 249 क्या है, इसका जवाब आप लोग देते रहिएगा। मैं आपके प्रश्न ले लेता हूँ। एक प्रश्न आया है, मैं 2015 बैच हूँ, मेरा फोर्थ सेमेस्टर बैक लगा था, टीटी 2018 क्वालिफाई हो, आगे शिक्षा भर्ती के लिए मान्य। अगर आपका बैक क्लियर हो गया होगा तब आप आगे के लिए मान्य है। और अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न आ रहा है, BTC की किसी भी सेमेस्टर बैक बैक है लेकिन वो क्लियर है, हाँ अगली शिक्षक भर्ती कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप, क्योंकि किसी भी शिक्षक भर्ती के समय आपकी जो एकेडमिक डिग्री है वो पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और कोई सवाल आपका, अगर अदर स्टेट से DLED की हैं तो यूपी में अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो आप भारत उत्तर प्रदेश की वैकेंसी देख सकते हैं। एक प्रश्न आ रहा है संजू श्रीवास्तव का कि मेरा चयन 68,500 में हुआ है, 69,000 के 31,000 में हुआ है, इसका जवाब जो लोग मेरे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। और कोई सवाल आपका, सभी साथी वीडियो को शेयर करिएगा। डेली 9:30 बजे लाइव क्लास चलती है, आपका स्वागत है। ये वीडियो फेसबुक पेज यूट्यूब दोनों पर चलती है, मेरा व्यक्तिगत इंस्टाग्राम है दुर्गेश सर, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर है, इंस्टा ट्विटर यूट्यूब फेसबुक सभी जगह, ठीक है। अगली शिक्षक भर्ती मई तक आएगी। और कोई सवाल आपका, शिक्षक भर्ती से जुड़े सवाल पूछिए। UPSC का सवाल के लिए मेरा व्यक्तिगत नंबर ले लीजिएगा, मेरे व्यक्तिगत नंबर पे कॉल करिएगा या मैसेज करिएगा। मेरा व्यक्तिगत नंबर है 9506701777, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर, इस पर नाम पता और बैच लिखकर भेजिएगा ताकि मैं आपको जान सकूं। और कोई सवाल आपका, कोई सवाल आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल आपका, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए अगर कोई सवाल हो पूछ ले, क्योंकि आज की क्लास खत्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कल फिर 9:30 बजे आप लोग लाइव आएंगे, कोई बात नहीं। मैं भी टीसी 15 वैश्य हूँ, अच्छा, मैं भी 15 वैश्य हूँ, थैंक यू। यूपीटेट का फॉर्म कब आएगा, अगले मंथ में। कितने घंटे पढ़कर सफल हुई, माने नहीं रखता, माने ही रखता आपने क्या पढ़ा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक दिन भी नहीं पढ़ा था, मैं लगातार 14 घंटे पढ़ाता था। और कोई सवाल आपका, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपका जवाब देने के लिए लाइव हूँ। संडे को आता हूँ स्पेशल यार आपका सवाल लेने के लिए, संडे को आप लाइव आया करिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ये निःशुल्क क्लास है यार, देश हित में राष्ट्रहित में आपके लिए है, अभी आप लोग जवाब नहीं देंगे। चलिए थैंक यू आप सभी का। फेसबुक यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हाँ 2019 की मार्कशीट, अच्छा उसके लिए मैं संडे को बताया था, ठीक है। सीटेट मई में होगा यार, मई में एग्जाम है, मई में। और कोई सवाल आपका, भदोही संत रविदास नगर है, हमारे जिले का पड़ोसी जनपद है। आप सेंटर पे आए इलानी में दुर्गेश के, और सेंटर की चाय पिए उसके बाद लेकर जाएं, ठीक है। मेरा आपसे यही है कि पड़ोसी जिले से हैं, संत रविदास नगर जौनपुर जनपद का पड़ोसी जनपद है, जिसकी सीमाएं जौनपुर जनपद से लगती हैं रामपुर से, इसलिए आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। सुजीत जी अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं, बाय बाय, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद। शैफाली गुप्ता जी कहाँ से हैं आप, अब जुड़े रहिएगा। अब मुझे इस नंबर, मेरे व्यक्तिगत नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और देखते हैं क्या सलूशन है आगे आपके लिए, और मुझे अच्छा लगेगा आप सभी का चयन होगा तो, ठीक है। किसी भी बात के लिए आप इस नंबर पर बात करिएगा, क्योंकि मेरी निःशुल्क क्लास होती है, यानी किसी के लिए आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है, इस नंबर पर आपको बात करना होगा। बाकी मैं आपकी इससे ज़्यादा सहायता नहीं कर सकता। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, फ्री चीज़ें वहाँ पर मिलती रहेंगी, मेरी आपको सभी वहां पे मिलेंगी डेली की डेली। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।